हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल का कीवर्ड्स एंड चैप्टर का समारी। पहले हम कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स में क्या है? सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड हमारे जो इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द डाइजेस्टेड फूड पास इन द ब्लड वेसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है? जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड है, जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होते हैं तो ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। मतलब एमिनो एसिड प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है। नेक्स्ट है एमीबा। एमीबा क्या है? एमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिसमें क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, मतलब फॉल्स फीट होते हैं, जिसके थ्रू से एमीबा मूवमेंट करते हैं और फूड कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो फूड सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू फूड सब्सटेंस डिफरेंट ऑर्गेन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसके बाद ऑर्गेन उससे जो एनर्जी मिलते हैं उस एनर्जी से फिर से कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जैसे प्रोटीन ये सब बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ द बॉडी where they are used to build complex substances such as protein and then required by the body. This is called assimilation. उसके बाद है बाइल। बाइल क्या है? बाइल इज ए डाइजेस्टिव जूस व्हिच इज सीक्रेट बाय द लीवर एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। उसके बाद है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है? हमारा माउथ है, जहाँ पे फूड इनटेक होता है, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले फूड लेते हैं, वो वाला पार्ट है बक्कल कैविटी। उसके बाद है कैनिन। कैनिन एक टाइप का दांत हमारे मुंह में होता है, जो थोड़ा सा पॉइंटेड होते हैं। हमारे मुंह में टोटल 4 कैनिन होते हैं। उसके बाद है सेलुलोस। सेलुलोस क्या है? सेलुलोस एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्रास में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस क्या है? जब क्या होता है, जो फूड का कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर कंपोनेंट में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। इजेशन। इजेशन क्या है? जब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड रह जाते हैं वो एनास के थ्रू टाइम टू टाइम बॉडी से निकाला जाता है, इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड जो हमारा फैट्स होता है, एक फूड का कंपोनेंट, उस फैट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, मतलब फैट्स का सिंपलर फॉर्म है फैटी एसिड। फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होता है? जो एमीबा होते हैं, एमीबा की बॉडी में साइटोप्लाज्म में कुछ बबल टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे फूड वैक्यूल कहा जाता है, जिसके थ्रू एमीबा जो है फूड को ट्रैप करते हैं। गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बाइल जूस स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट है ग्लाइसेरॉल। ग्लाइसेरॉल क्या है? ग्लाइसेरॉल जब फैट्स होते हैं, फूड्स का कंपोनेंट फैट्स, फैट जब ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होके ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट होते हैं, मतलब इस फैट्स का जो सिंपल फॉर्म है उसको ग्लाइसेरॉल कहा जाता है। उसके बाद है इंसीजर। इंसीजर क्या है? इंसीजर जो हमारा जो फ्रंट वाला दांत होते हैं, जिससे हम फूड को बाइट करते हैं, बाइटिंग में जो दांत यूज होता है उसे इंसीजर कहा जाता है। नेक्स्ट है इंजेशन। इंजेशन क्या है? इंजेशन में क्या होता है कि जब हम लोग फूड मुंह के थ्रू फूड लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। लीवर। लीवर हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वाला ग्लैंड होता है, जो हमारी एब्डोमेन के अपर राइट साइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है मिल्क टीथ। जो दांत हम लोग जब बच्चे रहते हैं तब एक सेट आते हैं दांत की, जिसे मिल्क टीथ कहा जाता है, और ये मिल्क टीथ 6 to 8 ईयर्स की एज में फिर गिर जाते हैं।
उसके बाद है मोलार। मोलार जो अंदर वाला दांत होता है हमारे मुंह में, वो मोलार है, जिसको हम लोग चीविंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ करते हैं। फूड को जो है चबाने के लिए और तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है मोलर। के बाद है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होता है, जो हमारा सेकेंड एक सेकेंड सेट ऑफ दांत आते हैं, जो फर्स्ट सेट ऑफ दांत मतलब जो मिल्क टीथ होते हैं उसको रिप्लेस करते हैं, इसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। उसके बाद है ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या है, ओसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे गले में और चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो खाना जो होते हैं वो मुंह से बक्कल कैविटी से ओसोफेगस में जाते हैं। उसके बाद है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, पैनक्रियास एक ग्लैंड है जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन में एक्ट करके उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत है वो मोलर की जो आगे वाला दांत होता है वो प्रीमोलर है। स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट है जो एमीबा में प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू एमीबा मूवमेंट करते हैं और जो उसका फूड होते हैं फूड को कैप्चर करते हैं। र्यूमेन। र्यूमेन क्या है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल के स्टोमक में एक पार्ट होते हैं जहाँ पे ग्रास ईटिंग एनिमल ग्रास को स्टोर करके रखते हैं, इसे र्यूमेन कहा जाता है। र्यूमिनेंट क्या है, जिन एनिमल के स्टोमक में र्यूमेन प्रेजेंट होता है उसे र्यूमिनेंट कहा जाता है। र्यूमिनेशन क्या है, र्यूमिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्रास ईटिंग एनिमल ग्रास को स्टोमक की एक पार्ट है जिसका नाम है र्यूमेन वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, और बाद में उस ग्रास की थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी में निकाल के फिर अच्छे से एनिमल जो है उसको स्यू करते हैं, इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। सेलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से सेलाइवा सीक्रेट होते हैं और सेलाइवा फूड के साथ मिक्स होते हैं जो फूड को डाइजेशन होने में हेल्प करते हैं। विलाई। विलाई क्या है, विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर है जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट होता है। सेलाइवा। सेलाइवा एक लिक्विड सा कुछ है जो सेलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और फूड के साथ मिक्स होते हैं बक्कल कैविटी में। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट यू हैव लर्न्ड, मतलब इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, जो चैप्टर का समारी है वो पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है जो एनिमल न्यूट्रिशन क्या है। एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को, जो एनिमल को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है, या फिर जो जिस तरीके से हम खाना इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं और बॉडी उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, वो है एनिमल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वहाँ पे एक एलिमेंटरी कैनल होते हैं और कुछ सीक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। तो जो एलिमेंटरी कैनल होता है उसका 6 पार्ट है, क्या क्या पार्ट है, बक्कल कैविटी है, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और जो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में वो ग्लैंड है सेलाइवरी ग्लैंड जो मुंह में प्रेजेंट होता है, लीवर स्टोमक में प्रेजेंट होता है एंड पैनक्रियास ये भी स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्टोमक का जो वाल होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होते हैं उसमें से भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। उसके बाद है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो खाना खाने का तरीका है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पे इंजेशन होता है, मतलब जो हम लोग फूड खाते हैं फूड इंटेक करते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। फिर डाइजेशन। डाइजेशन है, डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड का कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है उस वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर कंपोनेंट में कन्वर्ट होते हैं उसे डाइजेशन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो वॉल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का
स्टमक का, वो वाल में क्या होता है, जो फूड डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेन में ट्रांसफ़र होते हैं और ऑर्गेन उसको यूज़ करते हैं। इजेशन है, इजेशन का मतलब है जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड रह जाते हैं वो फूड टाइम टू टाइम एनास के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है स्टार्च, उसका डाइजेशन शुरू होता है मुंह में, बक्कल कैविटी में, और प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टोमक में, उसके बाद लीवर से बाइल जो सीक्रेट होता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जो सीक्रेट होता है, और कुछ डाइजेस्टिव जो सीक्रेट होता है इंटेस्टाइन की वॉल से, जो डाइजेशन प्रोसेस को कम्प्लीट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं, फूड कंपोनेंट होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी की डिफरेंट ऑर्गेन में, डिफरेंट पार्ट में, और वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाते हैं उससे, और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड रेसिड्यू हमारी बॉडी में रह जाते हैं उसको टाइम टू टाइम एनास के थ्रू बाहर निकाला जाता है। उसके बाद है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे काव, बफेलो, डियर, इन सबको रूमिनेट्स कहा जाता है। ये एनिमल क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से ग्रास को इंजेस्ट करते हैं, अंदर ले लेते हैं, और उसके बाद उसको र्यूमेन में, स्टोमक का एक पार्ट है र्यूमेन, र्यूमेन में स्टोर कर लेते हैं, और बाद में उसको फिर मुंह में लेके एनिमल उसको शांति से चबाते रहते हैं। एमीबा खाना खाते हैं उसकी फॉल्स फीड के थ्रू से, स्यूडोपोडिया से, और खाना का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन फूड फेक्यूल में होता है। तो यहाँ पे जो है क्यूवर्स और समारी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।